दरियाबाद उपखंड के पास 16 में मंगलवार शाम करीबन 7 बजे कस्बे के स्वामी विवेकानंद चौक पर अज्ञात बदमाशों ने राह चलते महिला के गले से मंगलसूत्र व चैन झपटकर बाइक से फरार हो गए। इस पूरे मामले में महिला करिश्मा पत्नी आदित्य वेड़ा पैदल अपने मामा के घर जा रही थी। इस दरमियान पीछे दो बाइक सवार घात लगाते हुए तेज गति से महिला के गले में झपटा मारकर मंगलसूत्र व चेन खींचकर फरार हो गई है। लगभग 9 तोले सोने के गहने थे। बीच बाजार घटना को लेकर हुई वारदात से लोग एकत्रित हो गई है। रात्रि में सैकड़ों जैन समाज के लोग थाने पहुंचे जहाँ पर रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। पहले भी कस्बे में चैन स्टेशन की वारदात हुई। कस्बे में तीसरी बड़ी वारदात होने से कस्बे वासियों में रोष व्याप्त है। पारसोला से हूँ और मेरी बाइक घर से मामा के घर के लिए हम जा रहे थे, निकल रहे थे और मैं मेरी मम्मी को छोड़ने के लिए मामा के घर पे गया। मामा के घर पे मम्मी को छोड़ के मैं फिर से अपनी वाइफ को लेने के लिए घर की तरफ जा रहा था और बीच में सरकारी गवर्नमेंट स्कूल है उसके छोटे गेट के बाहर ही वहीं पे बाइक खड़ी हुई थी। वहां से रास्ते में आ रही, पीछे की साइड से दो जने एक बाइक लेके आए और चेन और मंगलसूत्र खींचा और वहां से भाग गए। कितने तोले का था? 9 तोले का। मंगलसूत्र और चेन दोनों 9 तोले की थी। अभी आपने रिपोर्ट दी? रिपोर्ट दे दी है मैंने थाने में। क्या चाहते हो आप? मुझे बस मेरा मंगलसूत्र वो चाहिए और मुझे उन छोरों को पकड़ना है। यह हादसा किसी के साथ भी हो सकता है।